बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़राज़ खटक। नाज़रीन, इंसान अगर मेहनत करे तो अपनी ज़िंदगी का मैयार भी बेहतर बना सकता है और बहुत इज़्ज़त भी हासिल कर सकता है। कई बार ये मेहनत दौलत और इज़्ज़त के साथ साथ शोहरत भी दिला देती है। कुछ ऐसा ही मामला दुबई में मुकीम एक फूड डिलीवरी कंपनी के दो पाकिस्तानी मुलाजमीन के साथ हुआ है, जिन्हें इनकी शानदार कारकर्दगी पर कंपनी के मालिक ने 50-50 हज़ार दिरहम यानी तकरीबन 21 लाख रुपए बतौर बोनस देने का ऐलान किया है। फूड डिलीवरी का काम करने वाले दो पाकिस्तानियों को जब ये इत्तला मिली कि इनके आजर ने इन दोनों को 50-50 हज़ार दिरहम यानी $14,000 फी कस बोनस अदा करने की मंजूरी दी है, तो पहले इन्होंने सोचा कि शायद ये एक मजाक है, लेकिन हैरत ज़दा कर देने वाली ये बात हकीकत साबित हुई। इन दोनों खुशनसीबों का कहना है कि वो अब जिंदगी के ख्वाबों को हकीकत बनाएंगे। गुज़श्ता मार्च में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी डिलीवरो के पाकिस्तानी राइडर मोहम्मद खुरम को एक फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें इन्हें बताया गया कि इसकी महाना उजरत से 10 गुना ज्यादा बोनस की रकम इजहार तशक्कुर के तौर पर इसके लिए मौजूद है, क्योंकि वो इस कंपनी में गुज़श्ता 5 बरस के दौरान 2,000 से ज्यादा ऑर्डर सार्फिन को फराहम कर चुके हैं। 35 साल डिलीवरी मैन खुरम ने बताया कि जब मुझे 50,000 दिरहम बोनस दिए जाने की कॉल मौसूल हुई, इस वक्त मैं डिलीवरी पर गया हुआ था। बोनस की इतला सुनकर मैंने सोचा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। इन्होंने बताया कि मैंने इसकी तस्दीक के लिए अपने सीनियर्स को चंद फोन कॉल्स की, जब मुझे यकीन आ गया तो मैंने अपने अजीजों को ये खुशखबरी सुनाई। खुरम ने मजीद बताया कि बाद अज़ां मुझे बजरिया डाक एक खत मिला जिसमें बोनस की तस्दीक की गई थी। कराची से ताल्लुक रखने वाले इस डिलीवरी मैन ने अब अपने वतन में आकर कारोबार शुरू करने का इरादा किया है। इन्होंने कहा है कि कराची में एक कैफे या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और अपने खानदान के बेहतर मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं। गुज़श्ता माह इन्हें पहली किस्त के तौर पर 8,333 दिरहम मौसूल हुए हैं, बाकी रकम आइंदा चंद माह में इन्हें अदा की जाएगी। इसी के साथ एक और पाकिस्तानी डिलीवरी मैन मोहम्मद जिशान है, जो मुतहदा अरब अमारात में कंपनी के टॉप परफॉर्मर भी है। इनका ताल्लुक लाहौर से है। मोहम्मद जिशान ने कहा कि खुरम की तरह मैंने भी यही सोचा था कि 50,000 दिरहम इनाम महज एक लतीफा है। जब मुझे फोन मौसूल हुआ तो मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बाद में जब ईमेल के जरिए बोनस मिलने की तस्दीक हो गई तो मैंने अपने अहले खाना को बताया, वो बहुत खुश हुए। 35 साल मोहम्मद जिशान 4,000 दिरहम महाना कमाते थे, वो भी 5 बरस से डिलीवरो कंपनी के लिए खिदमात अंजाम दे रहे थे। इन्होंने कहा कि मैंने लाहौर में कारोबार शुरू करने का ख्वाब देखा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये कब मुमकिन हो सकेगा। इन्होंने कहा कि यहाँ तमाम अखराजात करने और घर वालों को रकम भेजने के बाद हमारे पास बहुत कम रकम बचती है, ताहम बोनस से बहुत फर्क पड़ता है। डिलीवरो कंपनी बरतानिया, मुतहदा अरब अमारात, कुवैत, फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और हॉलैंड में खिदमात अंजाम देती है। कंपनी के बानी वल्शो के बयान में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता साल के दौरान इन राइडर्स ने महज खाना फराहम करने से ज्यादा कारोबार में मदद फराहम की है, और कोरोना की आलमी वबा के दौरान कमजोर लोगों या खुद को अलग थलग रखने वाले अफराद को घर के अंदर महफूज रहने के काबिल बना दिया। डिलीवरो की जानिब से बताया गया कि कंपनी ने रवां साल दुनिया भर में आला कारकर्दगी दिखाने वाले अपने मुलाजमी में $238 से लेकर $14,000-36,000 तक के बोनस दिए हैं। तो नाजरीन, ये दो पाकिस्तानियों का कारनामा है कि इंसान जब अपनी मेहनत करता है तो इंसान अपनी मेहनत के बल बोते बहुत ज्यादा इज्जत भी हासिल कर लेता है और उसके साथ साथ शोहरत भी हासिल कर लेता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।